मुंबई लोकल और स्टंट और उससे होने वाली मौतें एक बड़ा सरदर्द हैं मुंबई की पुलिस के लिए, रेलवे पुलिस के लिए। मुंबई में ट्रेन पर स्टंट के मामले थमने का नाम नहीं लेते और एक बार फिर एक ऐसा ही जानलेवा स्टंट का वीडियो सामने आया। एक युवक स्टंट के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हमारी आपसे अपील है कि आप इस तरह के स्टंट ना करें। ट्रेन पर स्टंट का ये वीडियो दहलाने वाला है। तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। ऐसा करने की कोशिश कभी ना करें, ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। वीडियो में एक युवक चलती ट्रेन के दरवाजे पर लटका हुआ नजर आ रहा है। ऑरेंज कलर की शर्ट और आंखों पर चश्मा लगाए इस युवक को जान की जरा भी परवाह नहीं है। उसने एक हाथ से ट्रेन के गेट को पकड़ा हुआ है और दूसरा हाथ हवा में लहरा रहा है। तस्वीर मुंबई की है। बताया जा रहा है कि 20 साल के इस युवक का नाम दिलशाद खान था और वो एम्बुलेंस ड्राइवर था। 26 दिसंबर को दीवा और मुंब्रा स्टेशन के बीच वो स्टंट कर रहा था। ट्रेन फुल स्पीड में चल रही है और एक शख्स ट्रेन के अंदर से उसका वीडियो बना रहा है। युवक चलती ट्रेन पर स्टंट कर रहा है, लेकिन कुछ ही पलों में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ट्रेन में बैठे लोगों की चीख निकल गई। अचानक ही तेज रफ्तार से जा रही ट्रेन एक खंभे के पास से गुजरी और युवक इस खंभे से टकरा गया। आगे की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये विचलित कर सकती हैं। युवक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रेन में सफर कर रहे लोग सहम गए। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। मुंबई में अक्सर ट्रेन पर स्टंट के मामले सामने आते रहते हैं। रेलवे और पुलिस कई बार युवकों से स्टंट नहीं करने की अपील कर चुकी है। कई युवकों को ऐसे मामलों में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में रेलवे पुलिस ने 2019 में 17 लोगों को स्टंट करते हुए गिरफ्तार किया, जबकि 500 से ज्यादा लोगों को दरवाजों पर लटकते हुए पकड़ा। रेलवे ने स्टंट करने वालों से करीब 2,00,000 रुपए का फाइन भी वसूला है। बावजूद इसके ऐसे स्टंट पर लगाम नहीं लग पा रही है। ऐसे खतरनाक स्टंट कई युवकों की जिंदगी पर भारी पड़ चुके हैं। इसलिए अपील है कि ऐसे स्टंट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। मुंबई से श्वेता गुमसे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।